हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि प्ले स्टोर में आने वाली पेंडिंग ऐप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इंस्टाग्राम पर मैंने क्लिक किया तो ये भी पेंडिंग में हो गया। एंजल वन दूसरे ऐप पर क्लिक किया, वो भी पेंडिंग में हो गया। और एक और ऐप पर मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, बिटाइक्यू, ये भी पेंडिंग हो गया। इस वीडियो में बताए गए सॉल्यूशन को ध्यान से देखें, जिसके माध्यम से आपकी प्ले स्टोर पेंडिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 100%। वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें प्ले स्टोर को ओपन करना है। उसके बाद में हमें टॉप और राइट कॉर्नर पर अपने आईडी के लोगों पर क्लिक करना है। इसके बाद में हमें सेटिंग्स पे आना है। सेटिंग्स पे आने के बाद में हमें जनरल सेटिंग में जाना है। जनरल सेटिंग के बाद हमें स्क्रॉल कर अकाउंट एंड प्रेफरेंस पे क्लिक करना है। इसके बाद में हमें स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में हमें हिस्ट्री क्लियर डिवाइस सर्च हिस्ट्री, इस पर क्लिक करना है। इसको भी क्लियर कर देना है। इसके बाद में हमें क्लियर विश लिस्ट कर देना है। लीव बीटा प्रोग्राम ये कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अनरजिस्टर अपकमिंग प्रोग्राम ये आप कर दोगे, इससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने बीटा प्रोग्राम ज्वाइन किया है तो ना करें। इसके बाद में हमें आना है नेटवर्क एंड प्रीफ्रेंस में। इसके बाद लिए हमें सबसे पहले ऐप डाउनलोड प्रीफ्रेंस चेक करनी है। इसके लिए हमें ऐप ओवर एनी नेटवर्क पर रखना है, जिससे हमारा मोबाइल का डाटा ही यूज हो, इसको इस पर रखना है। ऑटो ऐप अपडेट को हमें ओवर वाईफाई ओनली या डोंट ऑटो अपडेट पर रखना है, इनमें से किसी पर भी। उसके बाद में ऑटो प्ले वीडियो ओनली वाईफाई या ऑटो प्ले डोंट ऑटो प्ले वीडियो, इनमें से किसी पर आप रख सकते हो। जैसे मैंने इस पर कर दिया, इसके लिए भी मैंने डोंट ऑटो अपडेट पर क्लिक कर दिया। ये तो वह हमारा वन सॉल्यूशन। उसके बाद में हमें जाना है सेटिंग्स पर। तो ये हम आ गए मोबाइल सेटिंग्स पर। इसके बाद में हमें आना है ऐप्स पर। ऐप्स के बाद में हमें प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर के बाद में हमें स्टोरेज पर आना है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्लियर कैच कर दें, साथ ही क्लियर स्टोरेज कर दें। इसके माध्यम से हमारा जो भी पुराना कैच या कोई भी एरर फाइल होगी वो डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ से क्लियर कर दें। अब इसके बाद हम चलते हैं प्ले स्टोर पर। यहाँ से अब हमें देखते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। हमारा ये प्ले स्टोर ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हमें कोई एक ऐप पर क्लिक करना है। जैसे एंजल वन पर ही मैं करके देखता हूँ। अब इस पर क्लिक करता हूँ तो थोड़ा पेंडिंग हुआ है, तो ये थोड़ा पेंडिंग हुआ और उसके बाद में डाउनलोड होने लगा। अब मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। इसके बाद मैं दूसरा ऐप को दिखाता हूँ। ये आ गया ग्रो स्टॉक, इस पर मैंने क्लिक किया तो देखते हैं ये डाउनलोड होता है कि नहीं। ये भी डाउनलोड होना शुरू हो गया। मैं और भी ऐप आपको करके दिखाता हूँ। चलो इंस्टाग्राम को देखते हैं। इंस्टाग्राम तब हो नहीं रहा था, अब देखते हैं होता है कि नहीं। ये भी होने लगा। दोस्तों अब हमें अगला सॉल्यूशन देखना है। इसके लिए हमें फिर से लोगो ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में हमें सेटिंग्स पर आना है। इसके लिए हमें अबाउट में जाना है। अबाउट के बाद में हमें प्ले स्टोर को अपडेट करना है, जिसके माध्यम से हमें हमारे जो प्ले स्टोर में कोई भी एरर वगैरह आती है तो न्यू वर्जन में फिक्स होती रहती है। तो इसको देखना है। इसके लिए देख सकते हैं अब मेरा प्ले स्टोर इज अप टू डेट, यानी कि लेटेस्ट वर्जन अपडेटेड है। तो दोस्तों इसके माध्यम से आपकी आशा करता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।